इन हमारे लिए अच्छा है या बुरा, अगर अच्छा है तो क्यों अच्छा है और बुरा है तो क्यों बुरा है। दोस्तों दर्द तो हम सबको होता है, अब चाहे वो फिजिकल हो या मेंटल। चाहे बेड के इस पार्ट से आपके पैर की छोटी उंगली गलती से टकरा जाए या जब आपका कोई दिल तोड़ दे, पेन हमें दोनों ही कंडीशंस में होता है। हमारी बॉडी में कोई भी पेन हो, चाहे फिजिकल हो या मेंटल, वो सब हमारे ब्रेन से ही होता है। ह्यूमन बींग फिजिकल या मेंटल किसी भी टाइप के पेन को नहीं चाहता है। ह्यूमन बींग पेन से बहुत डरता है। आफ्टर ऑल ह्यूमन बींग अपनी पूरी लाइफ काम ही इसलिए करता है ताकि उसे कभी लाइफ में पेन ना हो। इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कि आपको दर्द होता ही क्यों है और उस दर्द की प्रोसेस क्या होती है और लास्ट में पेन हमारे लिए अच्छा क्यों है। तो सबसे पहले बात करते हैं हमें दर्द होता ही क्यों है। तो इसका सीधा और सिंपल सा आंसर ये है, आपको प्रोटेक्ट करने के लिए। अब आप में से बहुत से लोग ये कहेंगे कि हमें प्रोटेक्ट करने के लिए हमें दर्द क्यों दिया जाता है। तो इसका सीधा सिंपल सा एग्जांपल मैं देता हूँ। मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हैं, कुकिंग करते टाइम गलती से आपका हाथ पैन में टच हो जाता है तो आप तुरंत ही अपना हाथ हटा लेते हैं क्योंकि आपका हाथ वहाँ जलता है और आपको पेन होता है। अब मान लीजिए आप कुकिंग कर रहे हों और आपका हाथ पैन में टच हो जाए और आपको बिल्कुल भी दर्द ना हो तो आप अपना हाथ नहीं हटाएंगे, आपका हाथ जल जाएगा, आपका हाथ खराब हो जाएगा और लास्ट में उसे काट के फेंकना पड़ेगा। इसीलिए जब हम पैन को टच करते हैं हमारी बॉडी खराब ना हो इसलिए हमारा ब्रेन हमें पेन दिलाता है। अब बात करते हैं जो पेन हमें होता है उसकी प्रोसेस क्या होती है। तो मान लीजिए जैसे ही आपका हाथ पैन में टच होता है आपके पेन रिसेप्टर्स एक केमिकल रिलीज करते हैं जो केमिकल डायरेक्ट आपकी स्पाइनल कॉर्ड्स में से होके आपके ब्रेन में जाता है। वहाँ वो इन्फॉर्मेशन प्रोसेस होती है और ऑल द वे बैक उसी पॉइंट पे आके आपको पेन देती है। अगर सीधी भाषा में बोला जाए तो जहाँ पे आपकी इंजरी हुई वहाँ की इन्फॉर्मेशन डायरेक्ट ब्रेन में गई, ब्रेन में उस सेंसेशन को दर्द से रिलेट किया जाता है और फिर ऑल द वे बैक वहाँ पे ब्रेन आपको पेन देता है ताकि आप उस पर्टिकुलर पार्ट को प्रोटेक्ट कर सकें। अब बात करते हैं कि पेन हमारे लिए अच्छा क्यों है। इसका बहुत सिंपल सा आंसर है, अगर इंसान को पेन ही नहीं होगा तो इंसान अपना हाथ काट लेगा, पैर काट लेगा, ऑल ओवर डेड भी हो जाएगा तो उसे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। दूसरे एग्जांपल लें तो मान लीजिए आपको सांप काट देता है, तो पहले केस में जब आपको सांप काटेगा वहां पे आपको बहुत पेन होगा और आप तुरंत डॉक्टर के पास दौड़ के जाएंगे कि मुझे सांप ने काट दिया है मुझे बचा लो। लेकिन अगर आपको सांप के काटने से पेन नहीं होगा तो आप डॉक्टर के पास नहीं जाएंगे और वहाँ पे आपकी डेथ भी हो सकती है। तो इस वीडियो में मैंने आपको बता दिया है कि पेन हमें क्यों होता है, पेन कैसे काम करता है और पेन हमारे लिए अच्छा क्यों है। वीडियो पसंद आया तो लाइक करें, वीडियो पसंद नहीं आया तो डिसलाइक करें और कॉमेंट्स में बताएं कि अगला वीडियो किस टॉपिक पे हो और वीडियो में क्या सुधार किया जा सकता है। शेयर कीजिए इस वीडियो को अपनी फैमिली के साथ ताकि उनको भी पता चले कि आप YouTube पे नॉलेजबल कंटेंट देखते हैं। और लास्ट में ऐसे ही और नॉलेजबल कंटेंट के लिए सब्सक्राइब कीजिए द लॉजिकल टॉक को। एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग। जय हिंद।